सबसे पहले बात केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे की। जी न्यूज आपको लगातार कोझिकोड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश कोझिकोड में मौजूद हैं। विमान हादसे की पड़ताल के दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जिस विमान का हादसा हुआ है उसके कॉकपिट की तस्वीर पहली बार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। विमान के अगले हिस्से के अंदर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। वहां जहां पायलट बैठे थे, वो जगह जहां पर को पायलट बैठे हुए थे, ये वो तस्वीर है। एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं उस जगह की तस्वीर जहां से सबसे पहले एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराया विमान, उस जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं। जी न्यूज लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर पायलटों को पायलट बैठे थे, विमान का वो हिस्सा जो सबसे पहले जहां पर टक्कर हुई, वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हादसे की जगह की तस्वीर जहां सबसे पहले टकराया विमान, और साथ ही आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां पर पायलट और को पायलट सवार थे, जहां वो बैठे थे। अब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो ये भी सामने आ जाएगा कि विमान हादसे की वजह क्या रही। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर की मदद से यह पता चलेगा कि विमान के क्रैश होने से पहले, टकराने से पहले के जो आखिरी 5 से 10 मिनट थे उनमें क्या बातचीत हो रही थी, क्या जानकारी सामने आ रही है। लेकिन यह तस्वीर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। विमान का कंट्रोल पैनल, ये विमान का कंट्रोल पैनल एक बार फिर से आप देखिए, जहां से विमान को कंट्रोल किया जाता है, जिसके जरिए पायलट और को पायलट विमान को नियंत्रित करते हैं। विमान का कॉकपिट आप देख रहे हैं जहां पर पायलट को पायलट थे, कंट्रोल पैनल जहां से विमान को कंट्रोल किया जाता है। आखिरी के वो 5 मिनट जिनमें ऐसा क्या हुआ कि विमान नियंत्रण से बाहर हो गया, ये पहली बार आप जी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है विमान के कंट्रोल पैनल का और साथ ही कॉकपिट का, जहां पर पायलट को पायलट सवार थे, विमान को नियंत्रण जहां से किया जाता है वो कंट्रोल पैनल आप देख रहे हैं। विमान का वो हिस्सा जहां पर सबसे पहले टक्कर हुई और विमान टुकड़ों में बट गया, ये उस जगह की तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज के माध्यम से सबसे पहली बार आप देख रहे हैं। और आपने देखा पहले कैसे विमान टुकड़ों में बट गया, ये देखिए पहला हिस्सा विमान का, दूसरा हिस्सा विमान का बिल्कुल साफ साफ इसमें नजर आ रहा है। विमान हादसे की वो तस्वीर जो आपने पहले कहीं नहीं देखी, वो तस्वीर, वो वीडियो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। कोझिकोड से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, ये एक्सक्लूसिव वीडियो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हादसे के बाद की स्थिति थी। और जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि विमान ने रनवे की जगह टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। रनवे नहीं, टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। रनवे से 1000 मीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट का टैक्सी वे जहां पर इस विमान की लैंडिंग हुई। टेबल टॉप रनवे पर बारिश में चाहे लैंडिंग हो चाहे टेक ऑफ हो, इसके लिए गाइडलाइंस होती है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन तय मानक के मुताबिक नहीं था, यानी कि बफर जोन जितना होना चाहिए तय मानक के मुताबिक वो नहीं था, और टेबल टॉप रनवे पर बारिश में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए गाइडलाइन नहीं थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन जो होना चाहिए तय मानक के मुताबिक नहीं था। एयरपोर्ट के आगे की जगह बफर जोन और साथ ही दाएं और बाएं जितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए थी उतनी जगह जो तय मानक है टेबल टॉप रनवे के लिए वो नहीं फॉलो किए गए थे। क्या टल सकता था कोझिकोड में विमान हादसा? क्या नियमों के उल्लंघन के कारण हुआ हादसा? इन तमाम सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जी न्यूज ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसे की पड़ताल की जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कोझिकोड एयरपोर्ट को लेकर उठे थे सवाल। अब से 9 साल पहले 2011 में एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन मोहन रंगनाथन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य थे।
उन्होंने नोटिस भेजकर कोझिकोड एयरपोर्ट की कमियों पर सवाल उठाए थे। जून 2011 में सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी कमिटी को एक चिट्ठी लिखी गई थी और वो चिट्ठी लिखी थी कैप्टन मोहन रंगनाथन ने। कैप्टन रंगनाथन ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कोझिकोड एयरपोर्ट पर बफर जोन 240 मीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 90 मीटर का ही बफर जोन था। बीते 9 साल तक इस कमी पर कोझिकोड एयरपोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कैप्टन रंगनाथन ने अपनी उस रिपोर्ट में कई और अहम चीजें लिखी थी और उनमें से एक ये भी है। उन्होंने साफ लिखा था एक जगह कि टोपोग्राफी के हिसाब से रनवे के बाद करीब 240 मीटर का बफर जोन जरूर होना चाहिए, पर करीपुर एयरपोर्ट पर यह बफर जोन सिर्फ 90 मीटर ही है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। यानी कि पहली बात और दूसरी बात, दोनों ही बातों की अनदेखी की गई, इस रिपोर्ट की अनदेखी की गई और उसके बाद जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। Yeah, it could have been avoided if the DGCA and Airport Authority had acted on our recommendation and complaint, which was done 9 years back. So they did not want to reduce the length of the runway because there's no space for putting the runway in safety area. कोझिकोड एयरपोर्ट पर अगर खामियों को वक्त रहते दूर कर लिया जाता तो विमान हादसे को रोका जा सकता था। जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश ने अपनी पड़ताल के दौरान कुछ और खामियां भी पाई हैं, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, कोझिकोड, केरल। और विमान हादसे पर जी न्यूज की एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। जी न्यूज के पास कॉकपिट की एक और तस्वीर मौजूद है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। विमान का इंजन बंद नहीं हुआ था। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि विमान का कंट्रोल लिवर ऊपर की तरफ है, यानी कि इंजन ऑन था, बंद नहीं हुआ था। यह है वो तस्वीर, विमान का कॉकपिट आप देख रहे हैं, कंट्रोल लिवर आप देख रहे हैं, विमान का इंजन बंद नहीं था। ये तस्वीरें बताती हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो अब से पहले आपने ये तस्वीर कहीं और नहीं देखी। इससे पहले हमने आपको विमान के कॉकपिट की तस्वीर दिखाई, जहां पर पायलट और को-पायलट थे, जहां से विमान को कंट्रोल किया जा रहा था। अब देखिए कंट्रोल लिवर की तस्वीर, जिससे पता चलता है कि विमान का इंजन बंद नहीं था। यह विमान के कॉकपिट की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। विमान कैसे हादसे का शिकार हुआ, इसके लिए ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। वॉइस रिकॉर्डर, डेटा रिकॉर्डर के जरिए अब पड़ताल की जाएगी कि वो आखिरी के 5 मिनट उनमें क्या हुआ था, विमान कैसे नियंत्रण से बाहर चला गया, कैसे 35 फीट नीचे खाई में गिर गया और कैसे उसके दो टुकड़े हो गए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्रैश के बाद की तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। किस तरह की हालत थी विमान के कॉकपिट की, जहां से विमान की टक्कर सबसे पहले हुई वहां की तस्वीर क्या है, कंट्रोल लिवर का हाल क्या है, विमान का इंजन बंद नहीं था, ये सारी बातें किस ओर संकेत देती हैं, ये पता चलेगा इससे कि विमान हादसा क्यों हुआ। क्या जिन लोगों की जान गई वो जान बचाई जा सकती थी अगर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया होता। तो केरल के कोझिकोड से संवाददाता अमित प्रकाश ने पिछले 24 घंटे के दौरान उस जगह की पूरी पड़ताल की और कई एक्सपर्ट से बात की। इसके बाद खुलासा हुआ कि कोझिकोड विमान हादसे में एक बड़ी लापरवाही हुई, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान गई। अगस्त और सितंबर के महीने में केरल में तेज और मूसलाधार बारिश होती है। हादसे के दिन भी इसी तरीके से तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच में पायलट को पहला अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया, लैंडिंग का पहला अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया रनवे नंबर 28 पर, लेकिन पायलट को लगा कि तेज बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें वो रनवे नहीं दिख रहा, तो फिर दूसरे अटेम्प्ट के लिए उन्होंने दोबारा इजाजत मांगी और इस बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि अब आप रनवे नंबर 10 पर अटेम्प्ट करिए। लेकिन तेज बारिश और कम विजिबिलिटी, ये दो बड़े कारण रहे। कोझिकोड में 7 अगस्त को जिस वक्त विमान हादसा हुआ था, उस वक्त वहां जबरदस्त बारिश हो रही थी। इसकी वजह से विमान के पायलट कमांडर दीपक वसंत साठे पहली बार विमान को नहीं उतार सके। दूसरी बार जब उन्होंने रनवे पर विमान को उतारा तो विमान ने रनवे से 1000 मीटर पहले टैक्सी वे पर लैंडिंग की। रनवे पर इतनी फिसलन थी कि विमान 2700 मीटर लंबे रनवे को भी पार कर गया और आगे जाकर खाई में गिर गया।
गिरने के बाद विमान दो टुकड़ों में बट गया। दावा किया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन बंद कर दिया गया था, लेकिन जी न्यूज के पास मौजूद तस्वीर ये साफ बताती है कि इंजन बंद नहीं हुआ था, उसका इंजन ऑन था। कोझिकोड का कारीपुर एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है, यानी ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है। रनवे का एक सिरा या दोनों सिरे ढलान पर होते हैं, हवाई पट्टी के आसपास घाटी होती है और रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती। टेबल टॉप रनवे पर बारिश के दौरान लैंडिंग और टेक ऑफ की गाइडलाइंस नहीं है, और इस पर भी कैप्टन रंगनाथन ने सवाल उठाए थे, लेकिन रंगनाथन की आपत्ति पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। अगर टेबल टॉप रनवे पर बारिश के दौरान लैंडिंग को लेकर कोई गाइडलाइंस तैयार होती तो कई लोगों की जान बच सकती थी। किसी भी विमान हादसे की जांच में उसका ब्लैक बॉक्स बेहद अहम माना जाता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एक ऐसा उपकरण होता है जो उड़ान के दौरान हवाई जहाज की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, और अब कोझिकोड हादसे की जांच में भी ब्लैक बॉक्स बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। इसकी जांच शुरू हो चुकी है और अब ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले राज विमान हादसे का सच बताएंगे। कोझिकोड से अमित प्रकाश के साथ जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे को आज श्रद्धांजलि दी गई। उनका पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पर रखा गया था, जहां एयरपोर्ट और एयर इंडिया के कर्मचारियों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर, दिवंगत पायलट दीपक वसंत साठे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। एयर इंडिया के कर्मचारी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे। पायलट और को पायलट दोनों की ही हादसे में मौत हुई, लेकिन दीपक वसंत साठे ने इस बात को भांपते हुए कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है, कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कई यात्रियों की जान को बचाया जा सका। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.